नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव पिता पा रहा हूँ, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी का। और हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करें और चैप्टर बाय चैप्टर करें। तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 71 होगा और चैप्टर नंबर 70 होगा, ठीक है। और इसमें हम पार्ट है, एक ही पार्ट को एक ही पार्ट में इसको कम्प्लीट करेंगे। और इसमें आपका ओनली क्वेश्चन होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट है पॉलिटिकल डायनेमिक्स का आखिरी चैप्टर 70 होगा, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। तो देखिए आपके सामने फॉरेन पॉलिसी चैप्टर में 70 आ गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ पंसिल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ पंसिल, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 आपका सही है, ठीक है। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, ठीक है, आपका दोनों सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ पंसिल, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, और आपका म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट गलत है, ठीक है, और आपका म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन गलत है, ठीक है, ये आपका दोनों गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ पंसिल, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट आपका जो है गलत है, और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन आपका सही है, ठीक है, नॉन एग्रेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फेथ इन आइसो लेस निजम, ये आपका गलत है। तो फेथ इन आइसो लेस निजम आपका गलत है, ठीक है, और बाकी आपका सही है एबीसी एबीडी। तो फॉरेन एड फ्रॉम ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, तो फॉरेन एड फ्रॉम ऑल अवेलेबल सोर्सेज सही है, और नॉन इन्वॉल्वमेंट इन मिलिट्री अलायंसेज फॉर्मेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, ये भी सही है। और ए डिमांड फॉर ए बेटर डील फ्रॉम द नॉर्थ कंट्रीज और साउथ कंट्रीज, ये भी सही है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो फॉरेन एड फ्रॉम ऑल अवेलेबल सोर्सेज सही है, और नॉन इन्वॉल्वमेंट इन मिलिट्री अलायंसेज फॉर्मेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर सही है, और डिमांड फॉर ए बेटर डील फ्रॉम द नॉर्थ कंट्रीज और साउथ कंट्रीज सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्पाइट बीइंग ए रिपब्लिकन स्टेट इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ डेजर्ट हुज हेड इज द ब्रिटिश मोनार्क, दिस इज बिकॉज। तो डिस्पाइट बीइंग ए रिपब्लिकन स्टेट इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हुज हेड इज द ब्रिटिश मोनार्क, दिस इज बिकॉज। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए द मेंबरशिप डज नॉट इफेक्ट अफेक्ट द सबर्जन नेचर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, द मेंबरशिप डज नॉट अफेक्ट द सबर्जन नेचर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो डिस्पाइट बीइंग ए रिपब्लिकन स्टेट इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हुज हेड इज द ब्रिटिश मोनार्क, दिस इज बिकॉज। तो दिस मेंबरशिप डज नॉट इफेक्ट द सबर्जन नेचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक। नंबर 4 है वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ऑप्शन में सी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर वाज द इंडो चाइना ट्रीटी ऑन तिब्बत साइड, ऑप्शन नंबर बी 1954। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर वाज द इंडो चाइना ट्रीटी ऑन तिब्बत साइड, ऑप्शन नंबर बी 1954। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनवेल्थ समिट वाज होस्टेड बाय इंडिया, ऑप्शन नंबर सी 24th समिट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनवेल्थ समिट वाज होस्टेड बाय इंडिया, ऑप्शन नंबर सी 24th समिट। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन करेक्ट, ऑप्शन नंबर ओनली वन इज राइट। तो इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी लेस एम्फेसिस ऑन इंप्रूविंग कोऑपरेशन विद इंडिया नेबरिंग साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्री, आपका सही है। तो इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी लेस एम्फेसिस ऑन इंप्रूविंग कोऑपरेशन विद इंडिया नेबरिंग साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्री सही है, और द लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाई प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, आपका गलत है, ठीक है। द लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाई प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया अडॉप्टेड इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया अडॉप्टेड इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ऑप्शन नंबर सी 2003, ठीक है। क्वेश्चन 9 है आखिरी क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इज राइट। तो द गुजरात डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेटेड ऑन इंडियाज अकोमोडेटिव अप्रोच टुवर्ड्स इट्स स्मॉलर नेबर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिसी प्रोसिटी, ठीक है, यहाँ पर सही है। तो गुजरात डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया इज फॉर्मेटेड ऑन इंडिया अकोमोडेटिव अप्रोच टुवर्ड्स इट्स स्मॉलर नेबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी, एंड द गुजरात डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया वाज इनिशिएटेड इन 1994, आपका गलत है, ठीक है, आपका पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा आज का वीडियो, तो आज के बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा नया जो है पार्ट स्टार्ट हुआ, पार्ट 11 और चैप्टर में 21 कल करेंगे, ठीक है।